बड़ा अच्छा लगता है कि आपको ये कहानियां बहुत पसंद आ रही हैं। मेरा नाम अखिल है और मैं रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूँ, यूट्यूब पर भी आपको सुना रहा हूँ। और आज की कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत ग्रंथ में आपको उपमन्यु ऋषि की एक कहानी मिलेगी। उपमन्यु एक गोत्र भी है और जहां तक मुझे लगता है ये गोत्र इन्हीं ऋषि से शुरू हुआ है। कहानी में सबसे पहले इन ऋषि के गुरु आते हैं, जो ऋषि हैं अयोध्य धौम्य। इनके तीन प्रधान शिष्य हैं आरुणि, उपमन्यु और वेद। कहानी है उपमन्यु की। उपमन्यु जो थे वो देखने में थोड़े हट्टे कट्टे थे, तगड़े थे। तो ऋषि ने एक बार उनको बुलाकर पूछा कि तुम इतने हट्टे कट्टे क्यों हो, बाकी लोग तो ऐसे नहीं है, तुमको ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है। तो इस पर उपमन्यु कहते हैं कि मैं पहली भिक्षा जो लेता हूँ वो मैं आश्रम में देता हूँ, फिर मैं दूसरी भिक्षा लेने जाता हूँ जो मैं खुद खाता हूँ। ये सुनकर गुरु उनको ये करने से रोक देते हैं, कहते हैं आप एक बार भिक्षा लीजिए, अगर आप दूसरी बार भिक्षा लेने जाएंगे तो जो बाकी विद्यार्थी हैं उन्हें क्या मिलेगा। उपमन्यु उनकी बात मान जाते हैं। थोड़े समय बाद ऋषि फिर उपमन्यु से मिलते हैं, कहते तुम तो अभी भी अच्छे तगड़े हो, तुम्हारी सेहत अच्छी है, अब तुम क्या कर रहे हो। तो उपमन्यु कहते हैं कि देखिए गाय के दूध से मैं अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूं। आचार्य कहते हैं बेटा मेरी आज्ञा के बिना गायों का दूध पीना उचित नहीं है। उपमन्यु ये बात भी स्वीकार कर लेते हैं। थोड़े समय बाद वो फिर उपमन्यु से पूछते हैं कि अब भी तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, क्या कर रहे हो। तो आचार्य उनसे पूछते हैं इस तरह से कि मेरी आज्ञा से ना तो तुम भिक्षा ले रहे हो, तुमने दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो। तो उपमन्यु कहते हैं कि भगवान जो बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद झाग उगल देते हैं, मैं वो झाग पीकर अपनी सेहत बनाता हूँ, वो अपनी भूख मिटाता हूँ। आचार्य फिर मना कर देते हैं, कहते हैं देखो दयालु बछड़े तुम पर दया करके अपना बहुत सारा फेन या झाग उगल देते हैं, ये गलत है, इससे बछड़ों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उपमन्यु यहाँ पर भी आचार्य की बात मान लेते हैं, उनके खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और एक दिन भूख प्यास में वो आक के पत्ते खा लेते हैं। आक के पत्तों में जहर होता है और आक के पत्ते खाने से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जब आंखों की रोशनी चली गई तो अंधे होकर वो जंगल में भटकने लगे और एक कुएं में गिर गए। थोड़े समय पश्चात जब आचार्य को ये ज्ञात हुआ कि उपमन्यु अभी तक आश्रम में नहीं आए हैं, तो वो बाकी लोगों को भेजते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उपमन्यु कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात उन्हें बुरी लग गई हो और वो आश्रम छोड़कर चले गए हों। थोड़े समय बाद आचार्य को एक शिष्य आकर बताते हैं कि उपमन्यु अंधे हो गए हैं और एक कुएं में गिरे हुए हैं। आचार्य उनके पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कुएं में कैसे गिरे। तो वो कहते हैं कि आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और कुएं में गिर गया। आचार्य कहते हैं कि तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वो आकर तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपमन्यु वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति से अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं आप ये पुआ खा लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपन्यु कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मतलब ये पुआ जो है वो पहले आचार्य को खिला जाए फिर ही मैं खा सकता हूँ। अच्छा, अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पहले आचार्य ने भी हमारी स्तुति की है, हम उनको भी ये पुआ खिला चुके हैं, आप इसे खा सकते हैं। उपमन्यु कहते हैं कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं ये पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे और तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और सभी प्रकार का कल्याण हो जाएगा। तो ये कहानी है उपमन्यु की, जिनसे उपमन्यु वंश की उत्पत्ति हुई। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनका गोत्र उपमन्यु हो तो उनको और उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका खुद का गोत्र उपमन्यु है जैसे मेरा खुद का है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।